हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान होने वाला है, जिससे प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सरकार अपने कामों को गिना रही है और विपक्ष हमलावर है, तो ऐसे में R9 टीवी की टीम ने हरियाणा के लोगों का मूड जानने की कोशिश की। हमारी टीम इंद्रिय विधानसभा में पहुंची और चुनाव से पहले लोगों की राय जानी। नमस्कार, स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। दरअसल आज हम पहुंचे हैं इंद्री विधानसभा के उस हलके में जहां पर लोगों का मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल अब चल क्या रहा है। दरअसल इंद्री विधानसभा में मौजूदा जो विधायक हैं वो सरकार में राज्य मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी से चुने गए हैं, लेकिन समस्याएं अभी भी ऐसी हैं कि जो लोग बयां करना चाहते हैं। दरअसल हकीकत क्या है और फसाना क्या है, इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या लगता है जी, आपके इलाके में विकास भरपूर हुआ? विकास नहीं हुआ जी। नहीं हुआ। एक कर्णदेव है जो बीजेपी का, इसको अपनी बिरादरी का काम करता है। अच्छा। हाँ, अपनी बिरादरी का काम करता है। जो टूल कास्ट के जो गरीब आदमी हैं, इनका कई काम करते हैं। मैं कुछ युवा से बात करूँ, क्या लगता है जी, आप ही बताओ ना, आपके इलाके में विकास हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मानता कि यहाँ पे विकास का काम हो रहा है। भौजी, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं और बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखा होगा आपने। यहाँ पर कंबोज विरादरी के जो है विधायक चुने गए और ये कहा गया कि ये तो तस्वीर बदल देंगे, कुछ बदली तस्वीर? नहीं, फिलहाल तो तस्वीर नहीं बदली, पर लेकिन जैसे ही LSP से बाबू करताराम जी आएंगे और वो एक जुझारू नेता है के रूप में आएंगे और यहाँ पे विकास के नए रास्ते खोल लेंगे। दरअसल कंबोज बिरादरी की भी अच्छी वोटें हैं और कश्यप बिरादरी की अगर बात करें तो कम से कम ये बताया जा रहा है अनुमानित लगभग 30,000 से भी अधिक वोटें हैं, लेकिन सब 37,000 माफ कीजिएगा 37,000 वोटें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये समाज कहता है कि उनकी पूछ नहीं हुई। आपको भी ऐसा ही लगता है? यस, ऐसा जी कि यहाँ जब से ये पिछली सरकार आई है ना, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ये जो रोड चल रहा है ना, मेन रोड करनाल से इंद्री और लाडवा जमुनानगर जाता है, इसको उससे पहले जो है ना इसका सर्वे हुआ था और 5 साल हुए। देख लो आप इस सड़क से गुजर के देख लो, इतनी एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ, ये सड़क 5 साल हो गए नहीं बन पाई, कहाँ भी इसका विकास। हम एक शख्स से और बात करते हैं, वैसे तो वो पहले प्रशासन में रहे हैं, DSP के पद पर रहे हैं, लेकिन इस बार उनको लगता है कि LSP पार्टी से अगर ताल ठोकी जाए तो शायद विधायक बना जा सकता है। आखिर क्यों, 19 जानते हैं, आपको क्या लगता है सर, LSP से आएंगे तो विधायक बन जाएंगे, क्यों ऐसा? देखिए ऐसा है, हमारी पार्टी का जो पहला नियम है समानता का है, हम किसी जाति विशेष की बात नहीं करते, हम सबको समान भाव से देखते हैं और अब इसीलिए हमारे राजकुमार सैनी जी ने 100% आरक्षण, यानी कि हम अपने घर से लागू करें, जिस जाति की जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर ही टिकट दिया जाए, उसके आधार पर भी उनको चुनाव लड़ाया जाए और उसके आधार पर ही उनको अधिकार मिले। इस कार्यक्रम में इतना ही, हम किसी और जगह चलेंगे और जानेंगे इंद्री विधानसभा में कि वहां की जनता का क्या मूड है, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के 75+ मिशन में यहां की जनता सहयोग कर पाएगी या उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।